नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2018-19 अगस्त को अभी तक फिलहाल डेट वही है, और इसके मद्देनज़र हम कुछ वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको क्विक रिवीजन कराया जा रहा है। क्विक रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 19 अगस्त से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्विक रिविजन के लिए वीडियोज़ आपको दिए जाएँ। दोस्तों, क्विक रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब मैं ये वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा और जब आप वीडियो देखोगे तो साथ साथ ही आप उसको पढ़ चले जाना, मतलब कि जब क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद जब आंसर्स आप ऑप्शंस आते हैं और उसी समय आप सोचिएगा कि क्या क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होंगे, आंसर क्या होगा, और जितना एक्सप्लेनेशन होगा उसी समय समझ लीजिएगा। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि 30 मिनट का अगर मान लीजिए वीडियो है तो आप सिर्फ इस वीडियो में 30 ही मिनट आप इन्वेस्ट करोगे, ज़्यादा नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको और भी इधर उधर की चीज़ें पढ़नी होती हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको। तो क्विक रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में इन्वॉल्व होकर देखेंगे, मतलब ऐसा लगेगा आप टेस्ट दे रहे हो। 25 क्वेश्चन मैं हर वीडियो में देता हूँ आपको, 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आधे घंटे में हो जाता है, ठीक है, 24-25 मिनट में हो जाता है। तो आपको इन्वॉल्व होकर देखना है, एक्टिव होकर देखना है, और ये सोच के देखना है कि आप इसको आखिरी बार देख रहे हो, ठीक है, अगली बार नहीं देखोगे। तो दिमाग को उस तरह से ट्रेंड करना है आपने, क्योंकि समय को बचाना है, समय को और जगह भी हमें इस्तेमाल करना है। तो ये टेस्ट नंबर 4 है पॉलिटी का, और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फिर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, और संविधान में ये किसको लागू करने, किसको कहा गया तुम लागू करोगे, ठीक है, भारत के सभी कोर्टों को कहा है, संसद को कहा है, राष्ट्रपति को कहा है, या सर्वोच्च और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी दी है, किसको दी है? आपके पास 5 सेकंड है, सोच लीजिए इसको आप। तो दोस्तों, संविधान में फंडामेंटल राइट्स को या मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो पावर दी गई है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, मतलब जो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं संविधान के, ना कई तरह के पार्ट हैं, तो किस पार्ट में आते हैं? और ठीक है, और असल में सोच रहा था कि कोई क्वेश्चन बन जाता हो यहाँ से, तो और क्वेश्चन नहीं बना, आगे देखते हैं। फिलहाल आपको ये बताइए कौन से पार्ट में ये आते हैं, आप उसका मुझे रिप्लाई कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री के रूप में बोल रहा हूँ दोस्तों, वो भी इससे जुड़ा हुआ होता है, तो इस तरह से आपका रिविजन और भी थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, आपको पता लग गया है, और आपको जो मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स है कौन से पार्ट में संविधान के हैं ये मुझे बता दीजिएगा आप। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो माइनॉरिटीज़ को यानी अल्पसंख्यकों को उनका कॉलेज, स्कूल कॉलेज खोलने का और मैनेज करने का राइट्स देता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2017 मेंस में आया हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 19, 26, 29, 30। और हैरानी की बात ये है कि वो लोगों ने भी इस आंसर गलत किया था जो मेंस दे रहे थे, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को यानी माइनॉरिटीज़ को कहा गया है कि वो अपने इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको मतलब खोल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो अल्पसंख्यक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अल्पसंख्यक होते हैं? एक धार्मिक अल्पसंख्यक होता है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक अल्पसंख्यक और होता है जिसको संविधान में उसको वैलिडिटी दी है, एक धार्मिक अल्पसंख्यक है जैसे मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, ये धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए। एक और होता है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? आसान क्वेश्चन है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म का अधिकार? सबको पता है संपत्ति का अधिकार पहले था, उसके बाद ये चेंज हो गया, अब ये क्या बन गया है, कौन सा अधिकार बन गया बताइए? ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, संपत्ति का अधिकार अब फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी कौन सा अधिकार है और कौन सा आर्टिकल है ये? कम ऑन, ये मुझे लिख के दीजिएगा आप, ठीक है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? फंडामेंटल राइट के अंदर अमेंडमेंट करने का अधिकार किस केस के बाद आया है?
केशव नंदा भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोरखनाथवाद और सज्जन सिंहवाद। बताइए किस केस के बाद आप फंडामेंटल राइट्स में आप संशोधन कर सकते थे? दोस्तों आंसर है केशव नंदा भारतीवाद। इस केस के बाद आप मौलिक अधिकार, इसमें लिखा था कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं बेशर्ता बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ब्रेक होना चाहिए। मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर, देखिए हर अब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पहले मैं आपसे पूछने आ रहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन चलिए बताता हूँ। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, कोई किसी भी केस में डिफाइन नहीं किया गया बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बस केसों से ये पता लगा कि ऐसा वो चीज़ें जिसके जिसके ऊपर हमारा देश, हमारा संविधान, हमारे वैल्यूज स्टैंड करते हैं, उनको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक तो देते हैं डेमोक्रेसी, जैसे कि इक्वालिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप इन जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे देश की उनके साथ आप खिलवाड़ कर लो आप, ठीक है। चलिए बाकी मुझे ये सज्जन सिंह वाद और गोलकनाथ वाद ये इंपॉर्टेंट है, खासकर गोलकनाथ वाद ये क्या होता है अगर नहीं पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने नोट्स में आकर रेफर कर लेंगे, जो जो नहीं स्टूडेंट्स हैं मेरे वो गूगल में सर्च कर लेंगे आके। और गोलकनाथ वाद इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए बाकी कोर्स 2018-2019 का दोनों बैचेस के चल रहे हैं, और किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो 8317040152 मुझे कॉल कर सकते हैं आप। वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फाइल और ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। 18 के बाद समय कम बचा है, लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कि आप 18 के लिए तैयार हैं, करना चाहते हैं, कुछ घंटे दे सकते हैं, तो लगभग 100 से ज़्यादा लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और आपको फीस जो है 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस देनी पड़ेगी। बाकी 19 के लिए बैच भी शुरू हो चुका है, कुछ लेक्चर्स उसमें जा चुके हैं, वो सब मिल जाएंगे आपको। बाकी जानकारी के लिए मुझे आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, तब मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता दूंगा आपको। मैं आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 16, 19, 22, 31 बताइए प्रेस की फ्रीडम को कौन कहता है, किस अनुच्छेद में है? दोस्तों आंसर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंदर वैसे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहा जाता है। और एक बार हुआ कि जब ये संविधान बन रहा था तो डॉक्टर अम्बेडकर से ये पूछा गया कि आपने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से आर्टिकल क्यों नहीं बनाया है, क्यों अनुच्छेद क्यों नहीं बनाया आपने, और इसको क्यों आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया है इसमें? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि चूंकि प्रेस का मतलब ही होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना और अपने आप को बोलना, स्पीच कर देना, बात करनी और अपने आप व्यूज़ को एक्सप्रेस करना, इसका मतलब भी तो प्रेस होता है, इसीलिए इसको सेपरेट कोई आर्टिकल ना देख के आर्टिकल 19 में ही एक बोला गया कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता को आर्टिकल 19 में ही रखा गया है, एक अंडरस्टूड है ये चीज़ का मतलब ये होता है। लेकिन ब्रिटेन में जब हम देखते हैं तो ब्रिटेन में अलग से एक आर्टिकल है जिसको जो प्रेस की स्वतंत्रता को बात करता है वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? किसको कहा था कि वो संविधान की आत्मा है और हृदय है? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, आर्टिकल 32, ठीक है। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्ला साहब जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा किसी और को कहा था। अंबेडकर साहब ने तो यह कह दिया था संविधानिक उपचारों का अधिकार, लेकिन हिदायतुल्ला साहब ने किसी और को कहा था, वो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, आप आर्टिकल अपने पीडीएफ खोल के देखिएगा, मुझे वो ढूंढ के मुझे आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि उन्होंने किसको कहा था, ठीक है। अंबेडकर साहब ने तो इनको कहा था, हिदायतुल्ला साहब ने किसको कहा था ये मुझे बता दीजिएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार या ऊपर से कोई नहीं? तो संपत्ति के अधिकार के कई क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये एक सिंपल एक वैधानिक यानी कि लीगल राइट है, वैधानिक अधिकार है, लीगल। पहले फंडामेंटल राइट था, पंगे हुए बहुत सारे, वो बाद में उसको अमेंड करके फंडामेंटल राइट से निकाल के उसको आर्टिकल कौन सा दिया है बताइए, चलिए लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा आर्टिकल दिया है इसको। अब कौन, पहले 31 था, अब क्या है बताइएगा, ठीक है। तो अब ये वैधानिक अधिकार हो गया, ये लीगल राइट हो गया है, फंडामेंटल राइट नहीं है। मुझे पहले ये बताइएगा लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स में क्या फर्क होता है,
ये मुझे समझा दीजिएगा, फंडामेंटल राइट जब होते हैं तो क्या होता है प्रॉब्लम, और जब लीगल राइट है तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब जब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था तो क्या इस पर प्रॉब्लम होती है, जब लीगल राइट हो गया है तो क्या आसान हो गया है, ये मुझे बता दीजिएगा। नहीं हो तो मुझे कॉल करके मुझसे पूछ जरूर लीजिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरा दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है, मतलब कि डबल जियोपैराडी से कहते हैं इंग्लिश में, डबल जियोपैराडी, और अपने खिलाफ ही जो सबूत देना उसके संरक्षण में, तो दो सिद्धि के समय अभियुक्तों को कौन इसका संरक्षण देता है, कौन सा आर्टिकल 19, 22, 21, 20, बताइए, थोड़ा टफ है। यह है आर्टिकल 20, ठीक है। आर्टिकल 20 में क्या है कि देखिए, जैसे कि एक पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ठीक है, या नार्को टेस्ट होता है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा रखा है, कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है, गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने, क्योंकि ये भी आर्टिकल 20 को वॉयलेट करता है, क्योंकि आप आर्टिकल 20 क्या कहता है कि आप अपने खिलाफ सबूत नहीं दे सकते, मतलब कि आपको टॉर्चर कर करके आप अपने खिलाफ सबूत नहीं दे सकते। हाँ, आप स्वेच्छा देना चाहते हो, आप खुद देना चाहते हो कि यार ठीक है मैंने मर्डर किया है, मैंने चोरी की है, आपके लिए वेलकम है, लेकिन यह नहीं कि आपको मार मार के आपसे कन्फेस कराया जाए कि नहीं तुम्हें लिखना पड़ेगा कि तुमने किया है, ये इलीगल है, ठीक है। इसकी हो गया अपने खिलाफ सबूत देना। जब नार्को टेस्ट करते हैं, जब पॉलीग्राफ करते हैं, ये भी क्या हो गया भाई, नार्को में क्या करते हैं, आदमी को बेहोश किया जाता है, एक सेमी बेहोश किया जाता है, और गफलत के टाइम पे वो अपने खिलाफ ही सबूत देता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये क्या हुआ, आर्टिकल 20 का वायलेशन हुआ। डबल जियोपैराडी का मतलब क्या होता है, दोहरा दंड का मतलब क्या होता है कि एक ही क्राइम के आपको दो बार सजा मिल जाए, वो नहीं हो सकता, एक क्राइम का एक ही बार सजा मिलती है, दो बार नहीं मिल सकती है। इसको क्लियर मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, अंधा कानून अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, बहुत 20-30 साल पहले की, उसमें अमिताभ बच्चन को अमरीश पुरी के झूठे केस में, मर्डर केस में 20 साल की सजा हो जाती है। 20 साल बाद सजा काटने के बाद फिर वो बाहर निकलता है अमिताभ बच्चन, देखता है कि अमरीश पुरी बहुत बड़ा नेता बन गया है, तो दौड़ा दौड़ा के उसके पीछे भागता है, और वो अमरीश पुरी भाग के कोर्ट में आ जाता है, कोर्ट में आने के बाद अमिताभ बच्चन कोर्ट में भी उसका मर्डर कर देता है, तो जैसा बोलते हैं कि भाई तुमने मर्डर कर दिया इसको पकड़ लो, तो वो कहता है कैसे कर सकते हो, मैं इसी के आदमी के मर्डर केस में ऑलरेडी 20 साल की सजा काट चुका हूँ, आप मुझे डबल सजा नहीं दे सकते, वो है दोहरा दंड, ठीक है, मतलब डबल जियोपैराडी नहीं कर सकते, एक ही क्राइम पे दो बार आप सजा नहीं दे सकते, ठीक है। बहुत कहानी हो गई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ है मौलिक कर्तव्य, संसद मौलिक अधिकारों के संशोधन कर सकती है, मूल ढांचा का सिद्धांत, गाय का मांस का निषेध, इधर आता है मिनर्वा मिल्स के, संविधान का अनुच्छेद 48, संविधान का 48वां संशोधन, और केशव नंदन भारती केस। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, दो मिनट सोचिए कि किस में क्या लग रहा है, फिर मुझे बताइएगा। चलिए, मौलिक कर्तव्य किस में आता है, मौलिक कर्तव्य ए जो है वो 3 में आएगा, ठीक है, संविधान के 42वें संशोधन में आया था। संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है, अभी पढ़ा था हमने ना, संसद मौलिक अधिकारों को कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं जाना चाहिए। कौन सा केस था, कमॉन बताइए कौन सा केस था, केशव नंदा भारती केस, ठीक है। मूल ढांचे का सिद्धांत, जो मूल ढांचा है कि हमारे देश का ना, बेसिक डॉक्ट्रिन और बेसिक स्ट्रक्चर, वो किस केस से निकल के आया है, ये जो भी केशव नंदा भारती वाले केस में बात कर रहे थे, वो मूल ढांचा वाला कौन सा केस था, वो था मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। और फिर गाय का मांस कौन से आर्टिकल में बना किया है, वो है संविधान के अनुच्छेद 48, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अब मुझे ये बताइए डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या फर्क होता है, कम ऑन, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या फर्क है, ये मुझे आप बता दीजिएगा। देखिए, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, हर चीज आप क्वेश्चन नहीं बना सकता मैं, ठीक है, कुछ आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। नहीं आता है कुछ मत कीजिएगा, लिख के मुझे डिस्कस कर लीजिएगा एक बार, या कॉल कर लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, फोन नंबर आपको है ही यहाँ पे, इसमें देख लिया है अपने, ठीक है, डिस्कस कीजिए, जितना डिस्कस करोगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, ठीक है। आंसर इसका ए है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द सोशलिज्म शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हो गई है। समाजवाद के बारे में बात करते हैं तो किन दो आर्टिकल के साथ पढ़ेंगे, तो इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क जो आता है वो निकल के आता है। कौन से दो आर्टिकल्स पढ़ने हैं साथ में पढ़ेंगे, तो वो हैं अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को जब साथ में पढ़ेंगे तब
समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार को परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन को रोक लीजिएगा, मुझे पता है कई को हवा को लगी लगी है क्वेश्चन की। क्यों नहीं लगी है? क्योंकि आपने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये दो तीनों आर्टिकल्स पहले पढ़ेंगे, इनके सब क्लॉज पढ़ेंगे आप, तब जाके इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे आप। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, कीजिए आप इसको। मैथ्स ऑफ फॉलोइंग फिर से आ गया है। एक तरफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16, 29, 30 और 300 ए है, दूसरी तरफ कुछ लंबी सी कहानी है। वीडियो को आप पॉज करेंगे और पढ़ेंगे आराम से, उसके बाद मैथ्स ऑफ फॉलोइंग करेंगे। मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंद ना अपनी मन देखो नाम हो गया मन मन होना चाहिए उल्टा हो गया मन पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने की और संचालित करने की मौलिक अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संशोषित या राज्य की सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया सकता। मैथ्स द फॉलोइंग क्या होगा बता दीजिएगा। आर्टिकल 30 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सी जो होगा 3 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा कि आप जो भी अल्पसंख्यक होंगे, चाहे वो भाषा के आधार पर हो चाहे धर्म के आधार पर हो, वो दोनों अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बना भी सकते हैं, इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। मदरसे, गुरुकुल इन्हीं चीज़ों का एग्जाम्पल है। ठीक है, सी का 3 हो गया। संपत्ति की जब बात आती है तो आर्टिकल 300 ए है। ठीक है, वो 300 ए का डी का 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए है। ए का 2 है, किसी भी व्यक्ति के साथ हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते नियुक्ति में, तो 16 का 2 है, मतलब ए का 2 है और फिर बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु आज ये क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा और पहले वाले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा और एक्सटेंशन है। प्रेस की आज़ादी नहीं बताई है तो किस में बताई है? अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) या 19(1)(d)? ये और डीप में चला गया दोस्तों। आर्टिकल 19(1)(a) में इसको प्रेस की आज़ादी का मेंशन किया गया है। अब 19(1)(a) क्या है गूगल में टाइप कीजिए, पूरा निकल के आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयोग हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है? हुआ हिंदू, हिंदू की डेफिनेशन है। ठीक है, ब्रॉड डेफिनेशन है और इसमें कुछ धर्म जो सो कॉल्ड धर्म है वो हिंदू माने जाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। बुद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को क्यों नहीं माना, किस में को नहीं माना गया है, कौन हिंदू नहीं है? वैसे सब अपने आप को अलग कहेंगे लेकिन फिलहाल संविधान के हिसाब से पारसी हिंदू नहीं है। ठीक है, और बौद्ध, जैन और सिख तीनों को हिंदू कंसिडर किया गया है। क्यों कंसिडर किया गया है? हिंदू देखिए, यहाँ पे जो हमारे संविधान निर्माता थे वो थोड़ा सा उन्होंने बहुत इनडेप्थ बात की। उन्होंने कहा जो धर्म हिंदुस्तान की जमीन से बने हैं, चाहे बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, ये तीनों तीनों हिंदुस्तान की जमीन से बने हैं, इसीलिए उनको हिंदू, एक ब्रॉड हिंदू धर्म नहीं, एक ब्रॉड, एक हिंदू, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट लिया उसमें डाल दिया गया है। ठीक है, वो हिंदू कंसिडर किया गया है। भले ही धर्म अपने अपने इनकी पूजा पद्धति है लेकिन इसे एज अ ब्रॉड, हिंदू धर्म को एज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट लिया गया है। चूँकि पारसी हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस हो, ये सब बाहर से आए हैं, इसलिए इनको हिंदू, इनको नहीं कंसिडर किया गया। इसीलिए जो रिजर्वेशन है, इसीलिए रिजर्वेशन धर्म जो है वो हिंदुओं को मिलता है, हिंदुओं में बौद्धों को मिलता है, जैनों को मिलता है, सिखों को मिलता है, क्योंकि ये धर्म हिंदुस्तान से बने थे। चूँकि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज़ोरोस्ट्रियन जो पारसियों का होता है, ये सब बाहर से आए हैं, इसलिए रिजर्वेशन वहाँ नहीं गया। ठीक है, ये क्यों नहीं गया, इसके पीछे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि चूँकि देश आज़ाद हुआ था उस समय 1947 में और क्रिश्चियन मिशनरीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था और उससे पहले इस्लामिक जो राज रहा है, तो ऐसा ना हो जाए रिजर्वेशन के लालच में ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, और हिंदू आइडेंटिटी इंटैक्ट रहे, इंटैक्ट रहे मतलब रहे, इसलिए उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है जो उन्हीं धर्मों को दिया गया जो इस जमीन से निकले हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं।
भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों को विचार कीजिए। या राजकृत के विरोध में गारंटी है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, एक राजकृत्यों के विरोध में गारंटी है, या संविधान का भाग 3 में सूचीबद्ध है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसमें क्या क्या गलत क्या करना था विचार कीजिए और सही बताइए। अच्छा, पहला तो राइट है, या राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है, राज्य के खिलाफ आपका प्रोटेक्शन है, फंडामेंटल राइट्स, आप पैदा हो गए इस देश में तो आपको कुछ राइट्स अपने आप मिल जाते हैं, ये वही है, आपसे राज्य भी से मतलब सरकार भी से छीन नहीं सकती आपसे, ये राज्य कृत्य राज्यों के कार्य के विरुद्ध आपकी गारंटी एक ढाल है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, यह है बिल्कुल है, और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, ये नहीं करता है। हमारा प्रस्तावना यानी प्रियम्बल जो है वो ये चीज़ का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है, फंडामेंटल राइट नहीं करते हैं। प्रस्तावना को देखिए, कितने प्रकार की लिबर्टीज हैं, स्वतंत्रताएं हैं, और कितने प्रकार के न्याय हैं, दोनों चीज़ें पढ़िएगा। अभी खोलिए गूगल को बगल में और देखिए, प्रस्तावना टाइप कीजिए और देखिए कि कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्रस्तावना में मिलती हैं, दोनों कीजिएगा, ठीक है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति नहीं है, भैया बिल्कुल है, फंडामेंटल राइट्स वहीं से लिए गए हैं, ओके। तो 1 और 2 राइट है इसका। निम्न में से कौन से एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकते? देश में किसी भाग में निवास या बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अवध आबाद भ्रमण के स्वतंत्रता का अधिकार, या वित्तीय उपार्जित के स्वतंत्रता का अधिकार। ये बाप रे बाप, किसने गंदा टाइप कर दिया। देखिए, जो चीज आपकी इमरजेंसी में भी खत्म नहीं हो सकती, चाहे कुछ हो रहा हो, वो है आपका जीने का अधिकार। भाई जीना तो रहेगा ना, अब व्यक्ति का है वो जीने का अधिकार, तो वो चीज़ आपको नहीं खत्म किया सकती है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 नहीं खत्म हो सकते, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, जो विदेशियों को नहीं है, आपको पता है ना कुछ अधिकार फंडामेंटल राइट्स विदेशियों को है और कुछ सबको हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ इंडियंस को सिटीजन्स को हैं, कुछ सबको हैं। तो जो सिर्फ इंडियंस को हैं, जो इंडियन सिटीजन्स को हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगा, उनमें एक आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी ऑप्शन ये है, ठीक है। बाकी विधि के समक्ष समानता बिल्कुल, इक्वालिटी बिल्कुल मानता है, आपके स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आपको देता है, शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार भी देता है, प्रोटेक्शन देता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई न्यूज़पेपर इंडिया में आए विदेशी है, पाकिस्तानी है, और वहाँ जाके वो लिखे, तो वो चीज़ें आपको फिर रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप फिर क्लेम नहीं कर सकते कि जो इंडियन नागरिकों को दिया गया राइट्स वही आपको मिलना चाहिए। नहीं, कुछ चीज़ों को, क्योंकि आप बाहर के हैं, आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, आपके वैल्यूज अलग सकते हैं, और हो सकता है आप हमें परेशान करो तो आपकी राइट्स थोड़े से कम कर दिए गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से, या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के अधिकार से? तो आंसर है इसका धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से, ठीक है, आर्टिकल 25 से। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अधिकार है? 17, 18, 23, 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। 23 क्या है बताइए? 17 बता दीजिए, 18 बता दीजिए, पढ़िए, नहीं पता है तो गूगल में टाइप कीजिए, पता लग जाएगा। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेषण लेख, सिटोरी, परमादेश, मैंडमस, अधिकार प्रक्षा या क्यूवेंटो, या बंदी प्रत्यक्षीकरण, या हेबस कॉर्प्स, क्या बोलते हैं? पहले तो ये चारों का मतलब बताइए मुझे, चलिए आप, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब ब्रिंग द बॉडी ऑन, ब्रिंग द बॉडी मतलब कि अगर लगता सरकार को कि कोई आदमी किडनैप्ड है तो उसको कोर्ट में पेश करने के लिए बोला जाता है, चाहे वो सरकार से बोले, चाहे किसी व्यक्तिगत आदमी से बोले, तो उसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कॉर्पस। क्यू वारंटो मतलब होता है अधिकार प्रक्षा, मतलब कि आप किस अधिकार से किसी पोस्ट पे आए हैं, क्या अधिकार है, क्या आपने पीसीएस क्वालिफाई किया है तभी आप एसडीएम बने हैं, तो क्यू वारंटो उसको कहा जाता है।
सी टी ओरी का मतलब होता है कि जब ऊंचा न्यायालय जो अपर जुडिशरी है वो लोअर जुडिशरी के जजमेंट को रिव्यू करता है, ठीक है, तब बोलते हैं। और मैंडमस का मतलब होता है जब कोर्ट ये बोले किसी व्यक्ति को, संस्था को बोलो कि आप अपना काम ठीक से करें, ऑर्डर दे, उसे बोलते हैं मैंडमस, परमादेश, ठीक है। तो आंसर भी निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में अधिकारिता है, कौन से ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में से विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों के संरक्षण या संविधान के उल्लंघन संरक्षण, किसको, कौन से केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जाएंगे। तो आंसर है आपका मूल अधिकार के संरक्षण। हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण कौन करता है, आपका क्या नाम है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करता है, ठीक है। बाकी जो केंद्र और राज्य के बीच में जो लड़ाई होगी, राज्यों के बीच में आपस में लड़ाई होगी, सब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ये तो हम आर्टिकल 32 पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये है। तो मूल अधिकार जो होते हैं वो संरक्षण करता है। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, कार्यवाही लंबित होने की दशा में, परमादेश होगा, उत्प्रेक्षण होगा, प्रोहिबिशन होगा या अधिकार प्रेक्षा, ये सब मैं बता चुका हूँ, क्या है बताइए इसके अंदर। यह है प्रोहिबिशन, मतलब कार्यवाही लंबित होने की दशा में बोला जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म युग्म सही सम्मिलित नहीं है, कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है, राज्य के नाम परिवर्तन, अच्छा ये राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति है, नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति है, सरकारी नौकरी के में अवसर का समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, क्या राइट है इसमें, क्या नहीं राइट है। मतलब दोस्तों जैसे कि मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ कि किसी राज्य का नाम चेंज करना हो या उसकी बाउंड्री चेंज करनी हो, एक राज्य के 50 टुकड़े करके छोटे छोटे राज्य बना देने हो, ये सब राइट संसद को होता है, राज्य विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है। वो खाली प्रेसिडेंट उनको एक खाली पूछता है कि यार आपकी राय क्या है, वो भी उनकी मायने रखती नहीं है। तो बी ऑप्शन है कि राज्य का नाम परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो संसद को है। संपत्ति के मौलिक अधिकारों कब समाप्त कर दिया गया, 1978 संविधान 44वां संशोधन, 1982 में 46वां, 1973 31वां, किसमें किया गया, तो इसको किया गया है 1978 44 में संविधान संशोधन में। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिपरिषद, तो मूल अधिकारों का संरक्षण आपको पता ही है, सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन एक सही है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकार को लागू कर दिया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार को प्रशय किया था। दोस्तों वैसे ये हिस्ट्री का ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर बताता हूँ आपको कि 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट लिखी गई, नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू को के नाम से नेहरू रिपोर्ट जानी जाती है, उसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स का जिक्र आता है। तो मुझे पहले तो यार जितने भी हैं क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रपोजल और नेहरू रिपोर्ट, ये उसके बारे में अगर मुझे लिख सकते हो, बता सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी अभी फिलहाल इतना ही है दोस्तों, किसी को कोर्स वोर्स करना हो तो फ़ोन कर लीजिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। कुछ चाहते हैं कि कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जाए, कुछ नए तरीके से जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में या मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके मुझे बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट ऐसा किया जाए या क्या ऐसा किया जाए जिससे कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। आपके राय का, आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। इसके साथ ही